आपकी इंग्लिश का, द मेकिंग ऑफ मिसाइल मैन। हम वो पता होगा, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। मिसाइल मैन हम बोलते थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, क्योंकि उन्होंने मिसाइल्स बनाई थी यहाँ पर सबसे पहले। हु वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री? APJ अब्दुल कलाम 11वें प्रेसिडेंट थे हमारी कंट्री के। वॉट आर डू मीन बिफोर टेकिंग ऑफिस एज प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट से पहले वो क्या थे? वो साइंटिस्ट थे। एंड वाई इज ही कॉल्ड मिसाइल मैन? तो अब हम पढ़ेंगे। Have you heard about the missile man who has put our country on the map of scientific nations in the world? क्या आपने मिसाइल मैन के बारे में सुना है? उनकी वजह से हमारी जो कंट्री है उसका नाम बहुत ऊंचा हुआ है साइंटिफिक नेशंस में। यस, ही इज नन अनर देन द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये 11th प्रेसिडेंट थे इंडिया के। इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। He comes from a middle class family, but by virtue of his hard work and determination, he rose to the highest office of a country. यानी कि middle class family से थे, गरीब family से थे, लेकिन इनने इतनी मेहनत और लगन के साथ काम करा कि ये अपनी country में सबसे highest officer में अच्छी post पर पहुँच गए थे। His father was a poor man, जो इनके पिताजी थे गरीब आदमी थे। From him, Abdul Kalam learned to respect all religions. अपने पिताजी से उन्होंने सारे धर्मों की इज्जत करना सीखा था। He read not only the Holy Quran but also the Gita. उन्होंने कुरान के साथ साथ गीता भी पढ़ी थी। His family made his living by ferrying pilgrims between Dhanushkodi and Rameshwaram in Tamil Nadu. यानी कि इनकी जो फैमिली थी, जो पिलग्रिम्स आते थे, पिलग्रिम्स यानी जो दर्शन के लिए आते हैं भक्त दूर दूर से, तीर्थयात्री जिनको हम बोलते हैं, उनको ये दो जगह के बीच में लेकर जाते थे तमिलनाडु। But a devastating cyclone destroyed their boat. पर एक तूफान ने उनकी जो पूरी नाव थी उसको बर्बाद कर दिया। As a result, the family lost its only source of livelihood. तो इसी के साथ उनकी फैमिली का जो एक ही कमाने का जरिया था वो खत्म हो गया। अब्दुल कलाम had to face a lot of difficulties in pursuing his studies. यानी अब्दुल कलाम को बहुत दिक्कत हुई उनकी पढ़ाई पूरी करने में। In order to help the family through the crisis, कलाम collected tamarind seeds and sold them. तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने इस मुसीबत के वक्त में अपने जो परिवार है इसकी मदद करूंगा। तो उन्होंने कुछ टैमरिंड सीड, टैमरिंड यानी इमली, इमली के बीज इकट्ठे करे और उन्हें दुकानों पे जाकर बेचा। फॉर दिस ही वॉज पेड अ लॉर्डली सम ऑफ अबाउट 6 पैसे 1 एना। इसके लिए उन्हें 6 पैसे 1 आना मिला। ही ऑल्सो कलेक्टेड अ पॉपुलर न्यूज़पेपर इन तमिल, दीनामानी नाम का एक न्यूज़पेपर वो कलेक्ट करते थे एट रामेश्वरम रेलवे स्टेशन, रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन पे। कजिन समुद्दीन इन सेलिंग इट, और अपने कजिन भाई की हेल्प करते थे न्यूज़पेपर बेचने में। फॉर दिस सर्विस कलाम वॉज पेड अ लिटिल मनी, इसके लिए भी उन्हें थोड़ा पैसा मिलता था। दो हिज अर्निंग वॉज वेरी लिटिल, उनकी कमाई बहुत कम थी, बट ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज एबल टू केयर फॉर हिज फैमिली, पर वो खुश थे कि वो अपनी फैमिली की कुछ तरीके से तो मदद कर पा रहे हैं। एट स्कूल ही वॉज ईगर टू लर्न अबाउट एवरीथिंग, यानी स्कूल में उन्हें सब कुछ जानने की बहुत इच्छा रहती थी, बहुत इच्छुक रहते थे वो। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड तमिल वर हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स। 4 फेवरेट सब्जेक्ट्स थे उनके, इंग्लिश, मैथ, साइंस और तमिल। ही हैज़ रिटन मैनी पोएम्स इन तमिल एज वेल एज इंग्लिश, तो उन्होंने इंग्लिश और तमिल में बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम ऑन द बीच, वो बहुत बीच पे अपना समय बिताया करते थे। Whenever he saw a bird flying, he also wished to fly like it. जब भी वो किसी चिड़िया को उड़ते हुए देखते थे तो उनकी इच्छा होती थी कि वो उसकी तरह उड़ पाए। This passion for flying inspired Abdul Kalam to design SLV-3 satellite launch vehicle. तो उनके इसी पैशन, उड़ने के पैशन की वजह से उन्होंने SLV-3 satellite launch vehicle बनाया था। He studied till 10:30 PM daily. वो रोज रात को 10:30 बजे तक पढ़ाई करते थे। There was no electricity in his house, यानी उनके घर में बिजली नहीं आती थी। So he had to study by dim light of kerosene lamp. क्योंकि उनके electricity नहीं होती थी तो उन्होंने kerosene के lamp की dim light यानी हल्की रोशनी से पढ़ाई करी। At school his close friend was Ramanand Shastri, whose father was the high priest of Rameshwaram temple. उनके स्कूल में सबसे अच्छा दोस्त था रामानंद शास्त्री, जिनके पिताजी एक रामेश्वरम मंदिर के पुजारी थे। रामानंद एंड अब्दुल कलाम यूज टू गो टुगेदर इन द क्लास, रामानंद और अब्दुल कलाम एक साथ क्लास में जाया करते थे और एक साथ बैठा करते थे। वन डे अ न्यू टीचर केम टू देयर क्लास, एक दिन उनकी क्लास में एक नया टीचर आया। ही कुड नॉट टॉलरेट अ मुस्लिम सिटिंग नेक्स्ट टू ब्राह्मण, तो उसने ये देखा नहीं गया कि एक मुस्लिम का बच्चा किसी ब्राह्मण के बच्चे के साथ बैठा है। ही ऑर्डर्ड अब्दुल कलाम टू गो एंड सिट इन द बैक रो,
तो उन्होंने अब्दुल कलाम को बोला कि जाओ और पीछे जाकर बैठ जाओ। रामानंद वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, उनका दोस्त रामानंद रोने लगा। द एगोनी वॉज टू मच फॉर बोथ कलाम एंड रामानंद। व्हेन रामानंद फादर केम टू नो व्हाट हैड हैपेंड इन द क्लास, ही सेंट फॉर द टीचर। तो जब रामानंद के पिताजी को ये चीज़ पता चली तो उन्होंने टीचर को बुलाया। ही टोल्ड द टीचर व्हाट ही हैड डन वुड हैव ओनली ब्रीड कम्युनिज्म। तो उन्होंने उससे कहा कि आपके इस वजह से यहाँ पर बंटवारा होगा। देयर वॉज नथिंग इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ हिज स्कूल लाइफ। एक और उनका लाइफ का इंसिडेंट है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हिज टीचर वॉज वन मिस्टर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। ही वॉज ब्रॉड माइंडेड पर्सन। वन डे ही इन्वाइटेड अब्दुल कलाम टू हैव लंच विथ हिम। एक दिन उनके टीचर ने उन्हें अपने साथ लंच पर बुलाया। बट हिज वाइफ एन ऑर्थोडॉक्स वुमेन रिफ्यूज टू सर्व फूड टू अब्दुल कलाम। पर जो उनकी बीवी थी उन्होंने मना कर दिया कि मैं किसी मुस्लिम को खाना नहीं परसूंगी। बट द टीचर हिमसेल्फ सर्व द फूड टू हिज फेवरेट स्टूडेंट विदाउट एनी हेजिटेशन। पर जो टीचर था उसने अपने फेवरेट स्टूडेंट को बिना किसी बेझिझक उनने बिना किसी झिझक के उसको खाना परसा। हिज वाइफ वॉश्ड द सीन। तो उनकी बीवी ने काफ़ी देर तक उनको देखा। द वेरी नेक्स्ट वीक शी सर्व्ड अब्दुल कलाम द लंच वेरी हैप्पीली। तो अगले हफ्ते उन्होंने अब्दुल कलाम को बहुत ही खुशी के साथ लंच परसा। फ्रॉम द इंसिडेंट ही लर्न दैट प्रिजर्वेंस मेक मिरेकल्स। यानी कि जब आप देखते हो किसी को अच्छा काम करते हुए तो आपके अंदर भी वो इच्छा होने लग जाती है। अब्दुल ज्वाइन अ बोर्डिंग हाई स्कूल एट रामानंदनपुरम। तो अब्दुल कलाम ने एक बोर्डिंग हाई स्कूल ज्वाइन किया। हियर ही लर्न दैट डिज़ायर्स बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस आर की टू सक्सेस इन लाइफ। यहाँ उन्होंने सीखा कि लाइफ में सक्सेस के लिए इच्छा होना, विश्वास करना और एक्सपेक्ट करना लाइफ से बहुत ज़रूरी है। ही वॉज द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ स्कूल अमंग द टीचर्स। यानी वो सब टीचर्स में सबसे ज़्यादा फेवरेट स्टूडेंट थे। He always remembered the motto of his school, Schwartz High School. Let not thy wing days be spent in vain. When once gone, no gold can them buy them back. तो उनको उनके स्कूल का मोटो हमेशा याद आता था कि ये जो दिन है अभी तुम्हारे पढ़ाई लिखाई के, विंग डेज यानी इस समय तुम्हारे पास पंख हैं, तुम उड़ान भर सकते हो, अगर ये वेस्ट चले गए तो कोई भी सोना इन्हें खरीद के वापस नहीं ला पाएगा। He not only remembered these words but also acted accordingly to become an eminent person. Yani unhone sirf in shabdon ko samjha nahi balki unhone kaam bhi isi tarike se kiya. He was always fascinated by the mystery of skies. So he decided to go in the aeronautics branch. To unhone aage ki padhai mein aeronautic branch ko choose kara, space se related jo hoti thi, kyunki unhe hamesha se skies acche lagte the, yani aasman unhe pasand tha. When he got admission in Madras Institute of Technology MIT, his father was not in a position to pay huge amount of fee. उन्हें MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन भी मिल गया, पर उनके फादर की पोजिशन इतनी नई थी कि वो इतनी फीस भर पाए। इन द ग्रिम सिचुएशन हिज सिस्टर केम फॉरवर्ड एज एन एंजल। इस कठिन परिस्थिति में उनकी बहन आगे आई। शी डिसाइडेड टू मॉर्टेज हर ऑर्नामेंट टू रेज द रिक्वायर्ड फी। उन्होंने अपने गहने गिरवी रखवाए ताकि भाई की फीस भर सकें। It was by her sympathy and compassion that he joined MIT. Kalam vowed then to be redeemed the ornaments as early as possible. The moment he started earning, he honored his commitment. तो उन्होंने अपनी बहन से वादा किया कि जैसे ही मैं कमाने लग जाऊंगा, सबसे पहले तुम्हारे ornaments यानी जो तुम्हारे जीवर है वो वापस लौटाऊंगा। और जैसे ही उन्होंने कमाना स्टार्ट करा, उन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा करा। At every step of his career, success followed him closely as a shadow. तो उनके कैरियर में सक्सेस हमेशा उनके पीछे परछाई की तरह चली। पद्मभूषण एंड देन पद्म विभूषण वर कन्फर्ड अपॉन हिम। तो उन्हें दो पुरस्कार पहले मिले, पद्मभूषण और पद्म विभूषण। और उसके बाद इट वॉज द फिटेस्ट गेस्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बिस्टो भारत रत्न ऑन हिम इन 1997 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। When he got this award, he told the media that he still remembers रामानंदन crying in the class when I changed the rear row. और इस समय भी उन्होंने अपने दोस्त को याद करा जब उन्होंने बताया कि जब टीचर ने मुझे मेरी रो चेंज करके पीछे बैठने का बोल दिया था तो मेरा दोस्त कैसे रोया था मुझे आज भी याद है। ऑन 25th July 2002 व्हेन ही वॉज स्वॉन इन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द स्कूल सेलिब्रेटेड द डे एज फेस्टिवल। तो जब 25 जुलाई 2002 को उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया था तो स्कूल्स ने इस दिन को बहुत त्यौहार के जैसा सेलिब्रेट करा था। स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी, मिठाइयाँ बांटी गई थी टीचर्स और स्टूडेंट्स में। During the assembly, the teacher showered praise on him and exhorted the students to emulate his example. और assembly में उनके बारे में बताया गया, तारीफ करी गई और बच्चों को बोला गया कि आपको इससे ही सीख के आगे बढ़ना है। So हम इसके question answers देखते हैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखते जाइएगा।
हु इज द मिसाइल मैन, यानी मिसाइल मैन कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज द मिसाइल मैन, मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। व्हाट डिड अब्दुल कलाम्स फैमिली डू फॉर देयर लिविंग, यानी अपने दिनचर्या रोज के जीवन के लिए वो क्या करते थे कमाई के लिए? अब्दुल कलाम्स फैमिली वॉज इंगेज इन फेयरिंग पिलग्रिम्स बिटवीन धनुषकोडी एंड रामेश्वरम इन तमिलनाडु, यानी वो धनुषकोडी से लेके रामेश्वरम तक जितने भी दर्शनार्थी आते थे, जो दर्शन करने आते थे रामेश्वरम में, जो तीर्थ यात्री आते थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते थे। वॉट डिड अब्दुल कलाम डू फॉर द सपोर्ट ऑफ हिज फैमिली, अब्दुल कलाम ने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, सहारा देने के लिए क्या करा? अब्दुल कलाम कलेक्टेड टैमरिंड सीड्स, उनने इमली की जो बीज होते हैं वो कलेक्ट करे और बेचा, एंड सोल्ड देम टू अ शॉप, एक दुकान पे जाके उन्होंने बेच दिया। ही ऑल्सो कलेक्टेड अ पॉपुलर तमिल न्यूज़पेपर एट रामेश्वरम रेलवे स्टेशन एंड हेल्प द कजिन इन सेलिंग इट, यानी उन्होंने एक पॉपुलर तमिल न्यूज़पेपर रेलवे स्टेशन पर बांटना शुरू करा अपनी दोस्त के साथ में, सॉरी अपने कजिन के साथ में मिलकर। ही अर्न मनी फ्रॉम दिस सर्विसेज, ही सपोर्ट हिज फैमिली विद दिस मनी, तो उन्होंने इस तरीके के काम से पैसा कमाया और अपनी फैमिली का सपोर्ट करा। वॉट रिलीजियस बुक हैड ही रेड इन हिज चाइल्डहुड, यानी उन्होंने अपने बचपन में किस तरीके की धार्मिक किताबें पढ़ी? ही रेड द कुरान एंड द गीता इन हिज चाइल्डहुड, यानी उन्होंने कुरान और गीता दोनों पढ़ी। हाउ डिड द स्कूल सेलिब्रेट द ओकेशन वन कनाम बिकम प्रेसिडेंट, यानी स्कूल ने कैसा त्यौहार मनाया था, कैसे उस समय को मनाया था जब वो प्रेसिडेंट बने थे? व्हेन कलाम बिकम प्रेसिडेंट द स्कूल सेलिब्रेटेड द डे एज फेस्टिवल, यानी उस दिन को त्यौहार जैसा मनाया गया। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, यानी मिठाइयाँ बांटी गई बच्चों में और टीचर्स में। वन डे अ न्यू टीचर केम टू द क्लास, ही आस्क्ड अब्दुल कलाम नॉट टू सिट विद रामानंद, हाउ डिड रामानंद फादर रिएक्ट टू दिस इंसिडेंट, यानी रामानंद के फादर ने कैसे रिएक्ट करा? रामानंद फादर सेंट फॉर द टीचर, उन्होंने टीचर को बुलवाया और बोला कि जो टीचर ने करा है उससे सिर्फ कम्युनलिज्म की भावना फैलेगी, यानी भेदभाव की। हाउ डिड अब्दुल कलाम सिस्टर हेल्प, ही गॉट एडमिशन इन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उन्होंने बहन उनकी जो बहन थी उन्होंने उनका हेल्प कैसे करी? हिज सिस्टर मॉर्टेज हर ऑर्नामेंट्स टू रेट द रिक्वायर्ड फी, यानी उन्होंने अपने जो गहने थे वो गिरवी रख दिए ताकि इनकी जो फीस थी वो भरी जा सके। हाउ डिड अब्दुल कलाम लर्न द प्रिजर्वरेंस मेक मिराकल्स, वंस कलाम वॉज इन्वाइटेड बाई हिज टीचर्स मिस्टर सुब्रमण्यम अय्यर, यानी उनके टीचर ने उन्हें खाने पर बुलाया, उनकी वाइफ ऑर्थोडॉक्स हिंदू थी तो उन्होंने उनको खाना सर्व करने से मना कर दिया, तो बिना कोई एडवर्स रिएक्शन दिखाए उन्होंने खुद खाना परसना शुरू कर दिया। तो उनका ये पेशेंस देखकर, उनकी धैर्यता देखकर उनकी जो बीवी थी, अगली बार उन्होंने खुद आगे होकर कलाम को खाने पर बुलाया और इससे कलाम ने ये चीज़ें सीखी शुरू कर दिया। तो उनका ये पेशेंस देखकर, उनकी धैर्यता देखकर उनकी जो बीवी थी, अगली बार उन्होंने खुद आगे होकर कलाम को खाने पर बुलाया और इससे कलाम ने ये चीजें सीखी।